किसानों के लिए क्या किया? किसानों के साथ खड़े हैं। तो किसानों के किसान तो कह रहे हैं दुष्यंत ने धोखा किया। क्योंकि धोखा किसी का किया? जब दुष्यंत चौटाला तो हर ये कहते आए हैं, क्या दुष्यंत चौटाला सरकार के अंदर आ गया? ये तो कहे, ये जो घोषणा पत्र हमने बनाया था, हमने ये कहा था कि जननायक जनता पार्टी की अगर इंडिपेंडेंट सरकार बनते हैं, दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आने वाले समय में आप देखना, अब जिसने घोटाला किया है उसको इस चीज का खामियाजे भुगतना। तो जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति आपकी सरकार ने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन क्या वो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस? क्योंकि अभी कैथल में ही करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। क्या गांव में शराब के ठेके बंद करने पर भी बीजेपी राजी नहीं? आपने तो घोषणा पत्र में कहा था हम गांव में शराब के ठेके बंद कर देंगे। देखिए, आपको अपना घोषणा पत्र याद है? हमने मिलकर सरकार बनाई, हमने हमारी सरकार के अंदर हिस्सेदारी आई है, हमारी सरकार के अंदर हिस्सेदारी आई है। जब हम अलायज हैं तो ये तो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है कि हम जाते ही क्या उनको कर दें। सरकार हर वक्त ये कहते आए हैं कि भाई एमएसपी के ऊपर कोई आंच आई, मंडी बंद हुई तो उसी दिन दूषण चौटाला पूरा करने काम करेंगे, और अगर वो काम पूरे नहीं होते हैं तो हम सरकार हट जाएंगे और वही काम दूषण चौटाला जी कर रहे हैं। आपने पूछा नहीं दूषण जी से कि सर आपने तो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे हैं तो अब आप इनका ही समर्थन करके सरकार के बारे पूछा? ये मुझे बताइए, जो खिलाफ हमने कांग्रेस की भी थी, हमने कांग्रेस को पक्ष किया था कि जिस भी ठेकेदार ने, जिस अधिकारी ने, जिस कर्मचारी ने, जिस नेता ने, जिसका भी इसके अंदर रोल है, चाहे वो किसी गठबंधन का, चाहे किसी बीजेपी का है, किसी जेजेपी का है, जो भी नेता है, तो आप उस पर देखना कि कार्यवाही ना हो तो मुझे बताना। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल टीवी से। आज कैथल टीवी के स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान है हमारे साथ, जो पूर्व में हल्का पुंडरी से विधानसभा क्षेत्र के जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार भी रहे हैं और वर्तमान में जननायक जनता पार्टी के हल्का अध्यक्ष भी हैं, राजू ढुलपाई। स्वागत है राजू ढुलपाई। नमस्कार विनय जी, जी और आपके सभी कैथल टीवी के जितने भी व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जी राजू ढुलपाई जी, आपसे बहुत ही तीखा सवाल शुरू करता हूं। आपकी सरकार ने कहा था, आपके तो दुष्यंत चौटाला के पास उप मुख्यमंत्री का पद भी है, तो जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति आपकी सरकार ने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन क्या वो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस? क्योंकि अभी कैथल में ही करोड़ों का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। विनय जी, दुष्यंत चौटाला जी एक अलग किस्म के व्यक्तित्व हैं, उनकी जो सोच है वो बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है और उनकी जो राजनीति है वो आने वाले 50 साल तक की राजनीति है। जो दूषण चौटाला जी सोचते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि जो पॉलिसी, जो भी काम वो करते हैं, किसी कार्यकर्ता के काम करते हैं, किसी वर्कर के काम करते हैं, किसी नेता के काम करते हैं, वो सबसे पहले इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखते हैं कि ये कोई काम गलत ना हो। और मैं आपको पूरे भरोसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है जो आप कह रहे हैं, उसमें 1% भी कोई कोताही नहीं है। जो कैथल के अंदर घोटाला हुआ है, जो सफाई घोटाला आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो बड़े अच्छे लेवल पे उठा हुआ है और मैं आपको इस बात का बिल्कुल विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि उस घोटाले के ऊपर जैसे ही ये घोटाला सामने आया था तो दुष्यंत चौटाला जी ने और मुख्यमंत्री जी ने तभी इस मुद्दे के ऊपर 3 स्तरीय जो कमेटी है वो बैठा दी थी और 3 जो एजेंसियाँ हैं वो इसकी जाँच कर रही हैं और आने वाले समय में आप देखना, अब जिसने घोटाला किया है उसको इस चीज़ का खामियाजे भुगतना पड़ेगा। राजू डूल जी, ये तो बात हुई कि जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति, क्या आपको अपना घोषणा पत्र याद है? बिल्कुल, क्यों नहीं याद है जी? सबसे पहला सवाल मैं आपके घोषणा पत्र की मांग में से ही उठाऊंगा। आपने कहा था कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार का वादा करते हैं, हुआ है क्या? क्यों, बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी पीछे जो हमने विधानसभा के अंदर जो हमारा पारित हुआ है, प्राइवेट नौकरियों के अंदर जो 75% जो आरक्षण है वो हरियाणा के युवाओं को, जो जितने भी उद्योग हैं उनके अंदर मिलेगा, तो वो जो दूषण चौटाला जी ने वो विधानसभा के अंदर लेके आए हैं वो बिल पास हो चुका है। लेकिन राजू जी, वो प्राइवेट नौकरियों के लिए है, उसमें आपके घोषणा पत्र में तो ऐसा मेंशन नहीं था कि निजी क्षेत्र के लिए? नहीं, सरकारी जो नौकरियां होती हैं उसके अंदर नहीं, बिल्कुल निजी क्षेत्र के अंदर। दूषण चौटाला जी ने ये कहा था कि जैसे ही हमारी, और दूषण चौटाला जी ने तो सरकार बनने से पहले भी हमने जो संघर्ष किया है, गुड़गांव के अंदर भी, रोहतक के अंदर भी, जो हरियाणा के अंदर जितने भी उद्योग धंधे हैं, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके अंदर हरियाणा के जो युवा हैं उनको 75% का आरक्षण मिले, इसी चीज़ को लेकर हमने घोषणा पत्र के अंदर भी ये मांग डाली थी और संयोग से हम सरकार के अंदर हिस्सेदारी हमारी बनी है, तो हमारी सबसे पहले यही मांग थी कि हरियाणा सरकार से, कि मुख्यमंत्री से जो बात की दूषण चौटाला जी ने कि भाई इस घोषणा पत्र के अंदर जो हमारी ये पहली मांग है उसको लागू करने का काम करें, और दूषण चौटाला जी ने पूरी कैबिनेट के साथ बात करके, मीटिंग करके, इस जो हमारा पहला वादा था इसको पूरा कराने काम किया है। राजू जी, बुढ़ापा पेंशन आप लोगों ने 5100 रुपए करने की बात कही थी और महिलाओं को 55 वर्ष के बाद और पुरुषों को 58 वर्ष के बाद देने का वादा किया था, 2 साल बीत गए, हुआ? आप मुझे बताइए विनय जी, व्यक्ति इस बात पर कटाक्ष कर देते हैं कि भी सरकार आई है कि 5100 पेंशन नहीं हुई है, लेकिन हमने जब घोषणा पत्र जब हमने जारी किया था, मैंने ये बात कही थी कि अगर जननायक जनता पार्टी की सरकार बनती है
तो हम 5100 पहले क्रम से 5100 पेंशन लागू करेंगे। मतलब तो आप मुझे ये बताइए विनय जी, जब जननायक जनता पार्टी हमारी 10 सीटें हैं, मैंडेट तो बीजेपी को मिला, 40 सीटें मिली, हमने मिलकर सरकार बनाई, हमने हमारी सरकार के अंदर हिस्सेदारी आई है, हमारी सरकार के अंदर हिस्सेदारी आई है, जब हम अलायज हैं तो ये तो बिल्कुल हमारे हाथ में नहीं है कि हम जाते ही 5100 कर दें। सरकार है हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी ही निर्दलीय भी है, सब चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती हैं। और जब दुष्यंत चौटाला जी ने तो आज 2500 पेंशन है, आप ये मान के चलिए 2 साल के अंदर का अरसा हो चुका है कि हम इतनी जितनी कांग्रेस सरकार के अंदर पूरे 5 वर्ष के अंदर जो बुढ़ापा पेंशन बढ़ी थी वो हमने 2 साल के अंदर बढ़ने काम किया। और मैं आपको विश्वास भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि जैसे ही 5 साल पूरे होंगे तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको 5100 पेंशन देने का हम काम करेंगे। मतलब 5 साल अभी 3 साल और इंतजार करें अभी बूढ़े लोग। बिल क्यों नहीं करेंगे हम, ये बताइए हमने, मैं पहले मैंने आपको ये बात कही है कि भाई जननायक जनता पार्टी की इंडिपेंडेंट सरकार नहीं है, हमारे 46 विधायक होते, दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री होते, अगर हम 5100 पेंशन नहीं करते तो डेफिनेटली आप मेरे से सवाल करते और मैं आपको इस बात का चोर भी होता। लेकिन आप ये देखिए कि हम सरकार के अंदर अलायज हैं, हम गठबंधन सरकार के अंदर हैं, जब गठबंधन सरकार के अंदर कोई व्यक्ति होता है तो फिर हर तरीके से बात सोचनी पड़ती है। हमारा पूरा प्रयास ये है, दुष्यंत चौटाला जी ने जब हमने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया था, हम सरकार में आए थे तो हमने जो 5 मुद्दे थे वो हमने सरकार के सामने रखे थे, इन 5 मुद्दों को आप पूरा करने का काम करेंगे और अगर वो काम पूरे नहीं होते हैं तो हम सरकार से हट जाएंगे। तो आप देखना आने वाले समय के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको 5100 पेंशन देने का हम काम करेंगे। हाँ राजू जी, ये तो मैं बात आपकी मान गया कि 5100 बुढ़ापा पेंशन आप नहीं दे सकते क्योंकि बीजेपी आपकी एलाई पार्टी है, आप उनके सहयोग से ही करेंगे जो करेंगे। क्या गाँव में शराब के ठेके बंद करने पर भी बीजेपी राजी नहीं? आपने तो घोषणा पत्र में कहा था हम गांव में शराब के ठेके बंद कर देंगे। देखिए जो आबकारी जो ये एक्साइज डिपार्टमेंट होता है ये इसके अंदर सरकार को भी पैसे आते हैं जितने भी आते हैं। हमने ये कहा था कि जो शराब के ठेके वो गांव से बाहर हैं, अब जितने भी शराब के ठेके हैं वो गांव से बाहर है। और दुष्यंत चौटाला जी ने ये बात कही थी कि गांव का सरपंच या जितने भी मेंबर्स हैं या पूरे गांव की आबादी, अगर उसमें से 75% लोग भी 50% लोग भी ये लिख के दे देंगे कि हमारे गांव के अंदर शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए तो उस गांव के अंदर शराब का ठेका नहीं खुलेगा। कुछ पंचायतें ऐसी हैं जिन्होंने ये लिख के दिया कि हमारे गांव के अंदर शराब का ठेका नहीं होना चाहिए, उस गांव जब लिख के आया है तो वो प्रपोजल तो उस गांव के अंदर शराब का ठेका नहीं है। आप लोगों ने एक और वादा किया था कि कैंसर पीड़ितों के लिए, चलिए शराब के ठेके पर भी नहीं बनी बात, 5100 पे भी नहीं बनी, कैंसर पीड़ितों के लिए हर 20 किलोमीटर पर मोबाइल डिस्पेंसरी होगी खुली। अब मुझे फिर मैं उसी बात फिर आता हूँ विनय जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो घोषणा पत्र हमने बनाया था, हमने ये कहा था कि जननायक जनता पार्टी की अगर आप इंडिपेंडेंट सरकार बनते हैं, दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम हर बजट, कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी आप कोई स्कीम ला के आते हैं तो उसका हर बजट पास करना होता है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, हम अलायज हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, तो कोई भी पॉलिसी है, कोई भी चीज़ें हैं, हमने मुख्यमंत्री के सामने दुष्यंत चौटाला जी अपनी मांग रखते हैं कि इस जो ये पॉलिसी है जो हमने वादा किया था आप इसके ऊपर काम करें। तो धीरे धीरे बीच में आप देखते हैं भाई, पीछे जो कोरोना काल था वो आया और अब पीछे जो किसान आंदोलन है, जो एजुकेशन वो चला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो काम है वो प्रभावित तो हुए हैं। लेकिन मैं विश्वास भरोसा दिलाता हूँ कि जितने भी जो हमने वादे किए हैं, जो आप हमसे मांग करते हैं, लोग हमसे उम्मीद करते हैं, हम उसको पूरा करने का। राजू जी, आपने कहा कि हमारी तो गठबंधन की सरकार है, कुछ पोर्टफोलियोज, बहुत सारे पोर्टफोलियोज दुष्यंत चौटाला के पास खुद हैं, क्या आप ऐसे काम गिना सकते हैं जो घोषणा पत्र में आपने वादा किया था और आपने सरकार में आते ही दुष्यंत जी ने अपना पोर्टफोलियो संभालते ही वो पूरा कर दिया, कोई आप गिना सकते हैं? देखिए हमारे पास 11 विभाग है विनय जी, 11 विभाग के अंदर जो भी काम होते हैं, जिस तरीके से काम होते हैं, हमारे पास औद्योगिक डिपार्टमेंट है तो सबसे पहले दुष्यंत जी ने जो हमारा उसके अंदर घोषणा पत्र वादा था 75% आरक्षण का, वो पूरा किया कि नहीं किया है? जो महकमा हमारे पास है और उससे संबंधित जो भी वादा हमने किया है वो दुष्यंत चौटाला ने इससे बड़ा 75% आरक्षण जो उद्योगों के अंदर है उसको लागू करने का काम किया है। तो हम तो किसी चीज़ से जो दुष्यंत चौटाला जी के पास महकमा है, जो 11 महकमे हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी काम हो उसको जनता के लिए दुष्यंत चौटाला जी काम करने का पूरा प्रयास करते हैं। राजू जी, 11 पोर्टफोलियोज दुष्यंत चौटाला के पास है, घोटाले भी उन्हीं में सामने आ रहे हैं, तो क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा है? कमेटी भी कमेटी बनाई जा रही है, ना अफसर दोषी है, ना कोई मंत्री दोषी है, ना कोई कर्मचारी दोषी है, जबकि मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक सब आरोप लगा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? विनय जी मुझे बताइए, ये आपकी बात मानने की भी, जो महकमे हमारे पास है उसमें घोटाले, क्या दुष्यंत चौटाला जी ने कहा घोटाले करें? ये तो कोई जो लोकल जो अधिकारी बैठे होते हैं वो इस बात में क्या गलत काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो ये सफाई घोटाले की बात है, जिस दिन भी ये बात विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने बात उठाई थी, उसे 2 दिन के बाद ही ये कमेटी बैठ गई थी। 3-3 जो एजेंसियां हैं, अब ऐसा नहीं है कि भाई एक दिन के अंदर ही जाँच हो जाएगी, 3-3 विजिलेंस की जाँच अलग है, एडी साहब की अलग है, लोकल जो कमेटी है उसकी जाँच अलग है, एडी साहब ने अपनी जाँच है वो सौंप दी है, जो दूसरी कमेटी है उसकी जाँच भी 3-4 दिन के अंदर सौंप दी जाएगी, और जो विजिलेंस की जाँच है
वो भी आप हफ्ते के अंदर ये मान के चले कि वो भी सबमिट हो जाएगी। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जिस भी ठेकेदार ने, जिस अधिकारी ने, जिस कर्मचारी ने, जिस नेता ने, जिसका भी इसके अंदर रोल है, चाहे वो किसी गठबंधन का है, चाहे किसी बीजेपी का है, किसी जेजेपी का है, जो भी नेता है, तो आप उस पर देखना कि कार्यवाही ना हो तो मुझे बताना। जी, आप कहते हैं कि सरकार बीजेपी आपके जो घोषणा पत्र है उस पर आपको काम नहीं करने दे रही है, तो आप समर्थन खींच लीजिए, आपके खींचते ही जो है सरकार गिर जाएगी। हमने कब कहा हमें सरकार घोषणा पत्र काम नहीं करने दे रही? नहीं, मैंने ये कहा है, हमने ये कहा है कि भाई हम इंडिपेंडेंट सरकार में नहीं है, हम अलाइज हैं। दूषण चौलाने जो मांग रखते हैं उसको सरकार पूरा करने का प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी का भी अपना घोषणा पत्र है, जननायक जनता पार्टी का भी अपना घोषणा पत्र है, एक संयुक्त कमेटी बनी हुई है जिसके विज जी हैं, वो उसके मुखिया हैं। तो जो दोनों कमेटी, जो दोनों पार्टियां मिलकर जो भी गठबंधन के अंदर जो भी मांगे हैं उन पर विचार करते हैं, उसको किस तरीके से पूरा किया जाए उसको पूरा करने के लिए दोनों ही कमेटी, दोनों ही पार्टियां हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको विनय जी एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या सरकार गिरने से सभी समस्याओं का हल है? ये तो निर्दलीय हैं, इनके साथ सरकार तो फिर भी नहीं जाएगी। या फिर ये क्या चाहते हैं कि भाई हम सरकार गिरा के कांग्रेस की सरकार बना दे? नहीं, आपकी छवि सुधारने का तो मौका है ना आपको। मैं ये बता रहा हूँ, आज हमने भाजपा के साथ सरकार बनाई है, अगर हम कल कांग्रेस से सरकार बनाते तो फिर हमें लोग ये कहते कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह जी को जेल भेजा, ये वही कांग्रेस है जिनको ये गाड़ी देते उनके सरकार में चल गए। ये तो कटाक्ष, ये तो एक नियम है, आप कहीं भी चले जाए व्यक्ति वही अच्छा होता है जो इन चीजों को नेग्लेक्ट करके और लोगों की भलाई के लिए निश्चित तौर पर आगे बढ़ता जाए और काम करता जाए। और वही काम दुष्यंत चौटाला जी कर रहे हैं। आपने पूछा नहीं दुष्यंत जी से कि सर आपने तो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे हैं तो अब आप इनका ही समर्थन करके सरकार क्यों बना रहे? पूछा आपने? ये मुझे बताइए, जो खिलाफ तो हमने कांग्रेस की भी की थी, हमने कांग्रेस को पक्ष किया था, हमने जो कांग्रेस के लोग थे हमने उनके खिलाफ भी किया था, हमने लोगों, ये बताइए हमारी सरकार आ गई, हमारी 10 सीटें आई है तो हमारे पास ऑप्शन क्या था? हमने अपने भाजपा से, आप विपक्ष में बैठते, विपक्ष में बैठते, क्या फायदा था विपक्ष बैठने का? क्यों दोबारा लोग, आप मुझे बताइए चुनाव कैसे ले जाते? वो सरकार तो ऑलरेडी जो 9 निर्दलीय विधायक थे वो तो कांग्रेस उसके बीजेपी के साथ समर्थन में आ चुके थे, विपक्ष में तो कांग्रेस बैठी है, कांग्रेस क्या कर रही है? आज दुष्यंत चौटाला जी सरकार में आके जनहित के काम तो कर रहे हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो कार्यकर्ता, जो वर्कर पिछले 15 सालों से संघर्षरत थे, सड़कों पे थे, क्या उनके काम नहीं करने थे? क्या उनको आगे नहीं बढ़ाना था? कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पे ही चलती है, अगर कार्यकर्ता ही टूट गया, उनका मनोबल टूट गया, तो फिर पार्टी कहाँ खड़ी रहेगी? तो दुष्यंत चौटाला ने इतना अच्छा फैसला किया, आज वो लोगों के इतने काम कर रहे हैं, तो हमें तो पूरा गर्व है कि हम इतने युवा नेता के हम साथी हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी जेल से बाहर आ गए हैं, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी जननायक जनता पार्टी के लिए? ओम प्रकाश चौटाला जी पहली बार थे, वो ठीक है, बड़ी होकर चुनाव लड़ पाएंगे, चुनाव लड़ ले तो जब जिस भी पार्टी ने, अब इलाहाबाद चुनाव आएगा जिसमें ओम प्रकाश चौटाला जी चुनाव लड़े, अभय सिंह जी लड़े, क्या इनेलो ताकतवर होगी दोबारा से? देखिए वो उनका काम है, वो पार्टी का उनका स्टैंड है, वो पार्टी किस तरीके से मजबूत करते हैं, हमारी पार्टी मजबूत थी, मजबूत रहेगी, हमें अपना काम करना है, उनको अपना काम करना है। ये तो बात होगी सरकार की, गठबंधन की, दुष्यंत जी के कामों की। आप एज ए राजू ढुलपाई जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में हल्का अध्यक्ष भी हैं, आपने क्या किया अपने इलाके के लिए, अब तक के काम गिनवा सकते हैं? बिल्कुल विनय जी, देखिए मेरे को चुनाव लड़ने का मौका मिला, मेरे सामने 8 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, मैंडेट 1 व्यक्ति को मिला, हम जितने चाहे कोई 2 वोटों से हारा, चाहे कोई 1 लाख वोटों से हारा, उसको जनता ने निकारा, लेकिन संयोग से हमारी सरकार बनी, हम सरकार में हिस्सेदारी हुई, सरकार में हिस्सेदारी होने के बाद मुझे ये इस बात का एहसास था कि हमने चुनाव लड़ा है और लोगों के लिए काम किया जाए। तो विनय जी मैं अब तक लगभग, मैं अभी तो परसों ही 50 लाख की मैं ग्रांट लेके आया हूँ, दुष्यंत चौटाला जी ने गांव पाई के लिए जारी की है, और आने वाले 4-5 दिन के अंदर 50 लाख की ग्रांट गाँव हाबड़ी के लिए भी जो मैंने मंजूर कराई है उसकी पैसे आने वाले हैं, तकरीबन 1 करोड़, और जितने भी, क्योंकि मैं विधायक नहीं हूँ, विधायक को तो प्रॉपर ग्रांट जारी होती हैं, मैं तो एक नुमाइंदा हूँ, मैं हल्का प्रधान हूँ, हमारा डिपार्टमेंट है, मैं दुष्यंत चौटाला जी प्रयास करता हूँ कोई भी काम लेके आने का, जितने मेरे हल्के के सम्मानित लोग मेरे पास आते हैं, कोई भी जो ये कहता है कि हमारी गली कच्ची है, हमारे खेत के रास्ते कच्चे हैं, ये हमारी इस गाँव से इस गाँव की जो सड़क है वो टूटी हुई है, तो मैं तकरीबन आप ये मान के चले कम से कम 40 लाख रुपये के जो खेतों के जो रास्ते हैं जो कच्चे हैं उन पर काम मेरा चला हुआ है, और जो 3-4 सड़क ऐसी हैं जो मैं लेके आया था हमारी पुंडरी से लेकर जो राजौंद तक की, ये बिल्कुल सड़क टूटी हुई थी, ये प्रपोजल मैंने 4 सड़कें बना के भेजी थी, ये सड़क बन चुकी है, पाई से बरसाना जो सड़क थी, ये सड़क का प्रपोजल मैं दुष्यंत जी से लेके आया था, इसका जो टेंडर है वो लग चुका है, बीच में मतलब एक लंबी चौड़ी फेरी आपने तैयार, हाँ मैं बिल्कुल, और इसके अलावा विनय जी मैंने
जो होम गार्ड हो, चाहे कोई हमारा जो डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी है या कोई डीएफएससी है, फूड सप्लाई है, जहाँ भी ये लगता है कि भाई हाँ हम एक साथी को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, तो मैंने किसी अधिकारी से बात करके हमने पूरा प्रयास किया कि भाई साथियों को वहाँ रोजगार देने का काम करें। किसानों के लिए क्या किया? किसानों के साथ खड़े हैं। तो किसानों के, किसान तो कह रहे हैं दुष्यंत ने धोखा किया। क्योंकि धोखा किसी का किया? जब दुष्यंत चौटाला तो हर वक्त ये कहते आए हैं, क्या दुष्यंत चौटाला सरकार के अंदर आ गया ये धोखा है? क्या दुष्यंत चौटाला जी आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं ये धोखा है? दुष्यंत चौटाला ने कभी ये कहा हो कि इस किसान आंदोलन ये टूटना चाहिए, किसान गलत बैठे हैं, किसान गलत मांग कर रहे हैं? तो मैं मानूं दुष्यंत चौटाला जी हर वक्त ये कहते आए हैं कि भाई एमएसपी के ऊपर कोई आँच आई, मंडी बंद हुई, तो उसी दिन दुष्यंत चौटाला जी सरकार कैसे किसने कहा? जितनी खरीद सरकार हरियाणा सरकार कर रही है तो कोई स्टेट नहीं कर रहे, दुष्यंत चौटाला ने। और दिग्विजय चौटाला जी परसों बयान था, दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि अगर कानूनों के अंदर कोई दिक्कत है तो केंद्र की सरकार किसानों का जो शिष्टमंडल है उसको बुलाए, उन जो जो खामियां हैं उनको दूर करने का काम करें, अगर किसान उनसे असंतुष्ट होते हैं उनको किसी तरीके से संतुष्ट करें, हमारा अन्नदाता सड़क के ऊपर बैठा है तो उन उनकी मांगों को पूरा किया जाए। क्या आपको नहीं लगता अगर दुष्यंत इस्तीफा देके किसानों के साथ लगते तो अगली बार ज्यादा फायदा होता? क्या आपको इस बात यह बात लगता है दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे और सरकार गिर जाएगी? प्रॉफिट लॉस ये नहीं है कि आगे क्या होगा। क्या दुष्यंत चौटाला आज लोगों के अंदर, ये तो छोटूराम भी कहते आए हैं जब सत्ता के अंदर रहेंगे तो तभी उनकी आवाज उठा सकते हैं, आज कम से कम एक दुष्यंत चौटाला ऐसा नुमाइंदा है, यूथ पावर है जो सत्ता के अंदर बैठा है हमारे। अच्छा आप ये मुझे बताइए, यहाँ तो लोग जो कुछ जो कांग्रेसी है तो यहाँ तो दुष्यंत चौटाला का विरोध करते हैं, हम दुष्यंत चौटाला को कहीं आने नहीं देंगे, उन्हें कार्यक्रम बहिष्कार करेंगे। आप चंडीगढ़ के अंदर जाके देखें, दुष्यंत चौटाला जी दिन में 3 बार हजारों लोग कोठी पे होते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके कष्ट निवारण करते हैं, तो क्या वो व्यक्ति दिन रात लोगों के लिए खड़ा है तो क्या उनके इतना ही कसूर है कि उसने मेहनत करके सरकार बनाई है और लोगों के लिए सरकार के अंदर बैठे हैं, जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं उनको लागू कर रहे हैं, हम जैसे जो आम आदमी है मैं लोगों के लिए मैं कोशिश करता हूं कि हमारा को काम बन जाए, तो क्या इसके लिए वो दोषी है? अच्छा ये बताइए आप अपना भविष्य कहां देखते हैं? आप जननायक जनता पार्टी में एज ए कार्यकर्ता और आप हल्का अध्यक्ष तो है ही, तो अब आप राजनीति में अपना भविष्य देखिए 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 विनय जी, जो व्यक्ति राजनीति के अंदर आता है तो फिर राजनीति के अंदर तो उसकी खेती जो जनता होती है, जो व्यक्ति जनता के अंदर रहेगा उसको जनता प्यार करने का काम करेगी, जनता आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ऐसा मौका आता है अगर आप जनता के काम करते रहेंगे, जनता के बीच में रहेंगे तो जनता आपको प्यार देने का काम करेगी। तो मेरी तो कोशिश यही है कि मैं जब से इस पार्टी के अंदर मैं लोकदल परिवार से जुड़ा था, फिर मैं दुष्यंत चौटाला जी के साथ लग के हमने जननायक जनता पार्टी बनाई, हमने संघर्ष किया और संघर्ष का ही परिणाम था कि हम सत्ता के अंदर हैं। मेरी कोशिश ये है कि हल्का के अंदर हम लोगों के बीच में रहें, लोगों का काम करते रहें, जितने भी हमसे प्रयास बनेगा। मैं दुष्यंत चौटाला जी मेरे को सिर्फ एक आदेश किया हुआ है कि भाई आप हल्के के 36 बिरादरी के जितने भी लोग हैं, चाहे उन्होंने वोट दिया हो चाहे ना दिया हो, कोई भी काम हो आप मेरे पास लेकर आएँ, मैं जनता काम पूरा करने का प्रयास करूँगा। अभी तो मेरी कोशिश यही है कि हम लोगों के बीच में रहें और आने वाले समय में जो जनता लोग हमें ये लगे कि भाई ये व्यक्ति, ये युवा साथी हमारे काम कर सकता है, हमारी आवाज़ उठा सकता है, हमारी ढाल बन सकता है, तो फिर लोग हमें प्यार देने काम करेंगे, हम पीछे नहीं। एक सवाल करना चाहता हूँ, नेताओं को तो या मंत्रियों को तो विरोध का सामना करना पड़ता है, आपको भी ऐसे कार्यकर्ता सुनने को मिलता है क्या, विरोध का सामना करना पड़ता है लोगों का कि तुम ऐसे क्या कर रहे हो वहाँ काम? देखिए विनय जी, मैं ये तो भगवान का शुक्र है कि हमें तो अभी तक ऐसा कुछ लोगों ने प्यार, पता नहीं हमारी सीधी नीयत है कि हमें ऐसा कुछ नहीं, मैं तो पीछे भी पुंडरी में मीटिंग करके आया था, लोगों की समस्याएं सुन के आया था, मैं तो कंटिन्यू हल्के में जा रहा हूँ, तो मुझे तो अभी ऐसा कुछ कि लोगों ने मुझे, हाँ ये बात जरूर होती है कि लोग हमें ये बात तो कहते हैं कि भाई दुष्यंत चौटाला जी से बोलो कि भाई किसी न किसी तरीके से वो केंद्र सरकार से बात करके किसानों की समस्याओं का हल निकल जाए, और ये बात हम दुष्यंत चौटाला जी करते हैं। दुष्यंत चौटाला हमसे इतने समझदार हैं, वो खुद ऊपर जाकर भी कोशिश ये करते हैं कि भाई ये इस बात का हल निकल जाए, तो फिर हमारी तो कोशिश ये होती है कि भाई हाँ लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन मुझे लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे अभी कोई ऐसा नहीं कि विरोध का सामना करना पड़ा। तो ये थे हमारे साथ राजू ढोलपाई, जिन्होंने कैथल टीवी के स्टूडियो में आकर अपना कीमती समय दिया और बेबाकी से अपनी राय सरकार और दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी की तरफ से रखी। हम राजू ढोलपाई का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। ऐसी खास पेशकश मैं डॉक्टर विनय गुप्ता कैथल टीवी से। धन्यवाद।